इस कंपैरिजन विद आरबीआई ग्रेड बी तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या आरबीआई के कंपैरिजन में सेबी इज समथिंग दैट आई कैन ऑप्ट टू चूज सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आरबीआई इज अ हायर पे मास्टर टू बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट आई थिंक मेनली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट अगर किसी का स्टॉक मार्केट में कैपिटल मार्केट में जेन्युअन इंटरेस्ट है

बट वो आई थिंक बाहर से ही एक बड़ी चीज दिखती है कि सारे लोग आरबीआई को जानते हैं बट से इन दीद इन दीपल हुई तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्योरली आप अपने इंटरेस्ट पे जाइए और कुछ मत देखिए बहुत दी एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव बहुत डिफिकल्ट टू क्रैक ऐसा नहीं है कि वो हो जाएगा ये रह जाएगा ऐसा कुछ नहीं है नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट मनी विच इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर तो देखिए आर मतलब मैं आरबीआई से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ सीटीसी बट इन से पे इज इक्वली गुड थोड़ा फर्क है मोटा मोटा आप लगा के चलिए आपको एक सवा लाख सवा लाख तक इन हैंड आ जाएगा बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट वेरियस अलाउंस लाइक यू गेट एच आर गेट अ हाउस यू गेट फर्नीचर अलाउंस यू गेट लैपटॉप अलाउंस यू गेट मेड अलाउंस फोन अलाउंस पेट्रोल अलाउंस तो मतलब वेकेशन भी आपकी स्पॉन्सर्ड रहती हैं एल सी एंस मतलब लीव फेयर कंसेशन मिलता है एल एफ सी या फिर आप एल टी ए बोल लीजिए और अंडर एनपीएस गेट पेंशन ऑल्सो सो मनी वाइज आई थिंक इट्स ओके नाउ इट इज नॉट समथिंग विच विल हेल्प यू टू लिव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ कि भैया मेरे तो बड़े बड़े फ्लैट्स होंगे वहां पे हीरा नंदानी में और आई ओन सम बिग बिग कार्स ऐसा नहीं पॉसिबल है बिकॉज इवन अगर आपको पच्चीस तीस लाख मिलता है आज के दिन में आई डोंट थिंक दैट इट्स टू टू मच ऑफ मनी इट्स अ डिसेंट मनी यू कैन सेव यू कैन स्पेंड यू कैन लिव अ गुड लाइफ स्टाइल नॉट लग्जरी बट नॉट इवन मॉडरेट ऑल्स इट कैन बी अ रियली गुड अबव मॉडरेट लाइफ स्टाइल तो बहुत ज्यादा अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं और कैपेबलिटी है गो डू दी प्राइवेट सेक्टर में बी गो एंड फाइंड समथिंग फॉर योर सेल्फ ऑन दैट स्किल तीसरा पैरामीटर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है पार। तो देखिए सेबी में यू गेट अ लॉट ऑफ पार इन इन सर्टन टर्म्स यू आर द वन हु वुड बी लर्निंग मेकिंग पॉलिसीज लेटर सुपरवाइजिंग नेम इफ यू बिकम द एजुडिकेटिंग ऑफिसर सो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होते हैं जो लोग गलत करते हैं उनके केसेस को हियर करते हैं एंड दे एडजुडिकेट, दे पीनलाइज देम सो दैट्स लाइक अ देसी ज्युडिशरी अथॉरिटी लाइक यू आर लाइक अ जज विद इन द मैटर्स रिलेटेड टू सेबी तो वहां पे अच्छी खासी पावर है बाकी यू नो आई मीन एज एज एन ऑफ पास वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ब्रोकर को बैन कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड को बैन कर सकते हैं इफ दे आर डूइंग समथिंग सो द लॉट ऑफ पावर्स देयर इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस हैं फ्रोडोलेंट ट्रेडिंग रेगुलेशंस हैं तो सिर्फ भी बहुत सारी चीजें एक्शन करता है आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे रिसर्च होती है बहुत सारे इनके uh, होती हैं जैसे कि दानी का केस था वो से भी कर रही है सो so, पावर्स काफी हैं बट एज एन इंडिविजुअल ऐसी कोई पावर नहीं होगी कि मतलब आपको कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी या लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे या आपको बहुत बड़ा कैबिन दिया जाएगा ऐसा भी नहीं होगा इट्स लाइक नॉर्मल प्राइवेट जॉब आई यू लर्न यू इंप्लीमेंट यू सुपरवाइज यू मेक पॉलिसीज और उसमें कहीं ना कहीं विद इन प्लेसेज यू वुड हैग्जीक्यूट दैट बट दैट ऑल्सो लेटर इन यूर करियर बट हा ओवरऑल मैं बोलूंगा कि एम्पावरमेंट काफी है आई I मीन mean, You are the in the किया, की, तो बहुत सारा काम किया ने टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स दे आर अकाउंटेबल टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स नहीं तो ये बड़े बड़े ब्रोकर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेज रिटेयर इन्वेस्टर को खा जाते बट देव डन रियली गुड जॉब तो पावर है एंपावरमेंट है अकाउंटेबिलिटी है एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है नेक्स्ट इज अबाउट रिस्पेक्ट तो देखिए अगेन रिस्पेक्ट अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं दे आर द रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम योर पोजिशन योर मनी द कार यू हैव द काइंड ऑफ हाउस यू हैव अब सेबी में उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा यहां पे आपको एक पोजिशनल रिस्पेक्ट मिलेगा मी वर्किंग इन अ सेबी इट्स एन ऑनर बिकॉज ओनली फ्यू पीपल कैन वर्क

मतलब एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी पोजिशन की जो आपकी है बट पैसे के टर्म में या लग्जरी के उनमें नहीं मिलेगी जो शायद प्राइवेट सेक्टर में जो लोग वाइस प्रेसिडेंट्स हैं डायरेक्टर्स हैं उनको मिलती है नेक्स्ट इज अबाउट वर्क कल्चर गाइस सो हेयर अगेन वर्क कल्चर यहां पे अच्छा है आई मीन इट्स नॉट लाइक प्योर गवर्नमेंट आई वुड से के बहुत ज्यादा ब्यूरो है ब्यूरोक्रेटिक है या बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है वैसा नहीं है बट टू सम एक्सटेंड द वर्क कल्चर इज ब्यूरोक्रेटिक एट टाइम्स आपको लगेगा चीजें स्लो चल रही हैं फाइल्स में गुम गई हैं आपका अपने बॉस के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी हो जाता है सो एट टाइम्स द वर्क कल्चर माइट बी ब्यूरोक्रेटिक बट इट्स नॉट लाइक अ प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स वर्क कल्चर है बट काफी चीजें यहाँ पे आपको सही भी मिलेंगी uh, एज एन इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस की अगर मैं बात करूं उसको मैं नेक्स्ट पॉइंट ही लिख लेता हूं वर्क लाइफ बैलेंस तो यहां पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है मतलब आपको एज अ जैसे प्राइवेट सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में लेट लेट तक काम करना पड़ता है या वीकेंड्स पे जाना पड़ता है देर इज नथिंग लाइक दैट नाइन टू सिक्स जॉब है वीकेंड्स ऑफ है एंड यू आर गिवन फ्लैक्सी ऑप्शन जहां पे आप नौ बजे की बजाय 11 बजे तक लॉग इन कर सकते हैं सो फॉर 2 hours like you can be flexible आप 11 बजे आकर लेट रुक सकते हैं तो ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है आपको सब्सिडाइज़ uh, फूड मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट नो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द गुड फूड जिमिंग है स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छा है एसएपी में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कल्चर है फॉर द स्पोर्ट्स लवर्स यू आर गोइंग टू लव इट ठीक है बाकी पार्टीज होती हैं टीम की क्वार्टरली पार्टीज होती हैं एंड टेन फिफ्टी देख माई स्टूडेंट वेन्ट टू गोवा ठीक है मेरे हिसाब से ठीक है प्राइवेट सेक्टर से तो बहुत अच्छा है और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तब भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं तो आप ओवर टाइम करेंगे तो उसका भी आपको लाइक टू थ्री थाउजेंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली इतना आपको मिलता है सो लाइक आर टेकिंग हार्ड नेक्स्ट बात आती है प्रमोशन की तो प्रमोशन ठीक है मतलब यहां से यहाँ पे आई थिंक पहला प्रमोशन आपका चार साल में हो जाता है इफ यू वर्क हार्ड ओवरऑल इन योर करियर यू कैन रीच अ लेवल ऑफ जर्नल मैनेजर और अच्छा काम करेंगे सीजीएम बहुत 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 अच्छा काम करेंगे बहुत हार्ड वर्क करेंगे एंड यू आर रियली इंप्लीमेंटिंग गुड थिंग्स यू माइट रीच अ लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आल्सो बट चेयरमैन नहीं बन सकते हैं जर्नली चेयरमैन आउटसाइड रिक्रूट करते हैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं बट दैट्स रियलिटी राइट नॉर्मली जीएम सीजीएम तक आप लेके चलिए तो प्रमोशंस ठीक है आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा मेरे हिसाब से और

तो जॉब सिक्योरिटी आपको है पूरी हंड्रेड परसेंट है इसमें कोई डाउट नहीं है राइट बट दैट जॉब सिक्योरिटी कम्स विद प्रॉब्लम दैट अगर आप सेबी में ही सारी जिंदगी लगाएंगे तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगा इन प्राइवेट सेक्टर पीपल ग्रो वेरी फास्ट राइट यहां से वहां वहां से वहां थर्टी परसेंट इंक्रीमेंट ट्वेंटी परसेंट इंक्रीमेंट बट यहां पे जॉब सिक्योरिटी में ग्रोथ लिमिटेड रहेगा थिंक पांच सात साल में सैलरी डबल हो गई बट इट्स नॉट लाइक आपने जॉब चेंज करके फिफ्टी परसेंट इंक्रीमेंट ले लिया दैट विल नॉट है डिस्कस करेंगे ट्रांसफर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सम पीपल तो अगर मैं ट्रांसफर की बात करूं तो सेबी में अच्छी बात यह ट्रांसफर नहीं होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ दीपल आर इन मुंबई कुछ रीजनल ऑफिस में वो वहीं रहते हैं बट द ड्रॉबैक इज दैट इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन अ मुंबई सिटी विच इज वेरी फास्ट सिटी फॉर सम पीपल नहीं अच्छी लगती है काफी लोगों को देन यू आर स्टक फॉर योर एंटायर लाइफ इन मुंबई सो दैट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम सो आप लेके चलिए कि यहां पे कोई रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग मिलने के ज्यादा चांस शायद ना बने यू माइट बी इन मुंबई द एंटायर बैच माइट बी पोस्टेड इन मुंबई एंड दे माइट लिव इन मुंबई थ्रू आउट देयर लाइफ सो so, अगर मुंबई जैसा शहर पसंद नहीं है देन आप सोच लीजिए कि आपको सेबी में जाना है या नहीं जाना है फिर फर्दर स्टडीज की बात करूं अगर मैं तो इन लाइक आरबीआई वहां पे बहुत अच्छा है कि आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं अस्सी अस्सी नब्बे लाख की टू स्टडी इन फॉरन यूनिवर्सिटीज बट फ्यू दोलेक्टेड पीपल यहां पे अच्छी बात यह है कि दे हेल्प मोस्ट ऑफ दीपल to study further or to get certifications in terms of CFA, CFA or FRM और उनकी fee reimburse हो जाती है या reduced fee पे वो कर सकते हैं so they encourage you to do further certifications to do further studies to up the profile of yours और उससे कहीं ना कहीं आपको SEBI uh, में भी growth मिल सकती है नहीं तो अगर आप switch करने की सोचते हैं कभी you will get a lot of opportunities out there hmm. तो guys ये कुछ parameters हैं ठीक है थीके? मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताया है आपको मनी में पा में रिस्पेक्ट में प्रमोशंस में मैंने जो बताया है सेबी में प्रमोशंस होंगी बट प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशंस बहुत फास्ट होती हैं बहुत फास्ट होती हैं मतलब आई हैव सीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट इन फाइव सिक्स इयर्स आफ्टर डूइंग एम तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं इट्स योर डिसीजन नाउ मुंबई में रहना है नहीं रहना है पैसा इतना काफी है नहीं है जॉब प्रोफाइल पसंद आएगा नहीं आएगा मैंने आपको बता दिया है so, like अगर आप चाहेंगे भी इसमें जाना अब आसान नहीं है बट इफ आउट राइटली यू वॉन्ट रिजेक्टेड यू कैन बेस्ड अपॉन दी पैरामीटर्स में सोचिए वंस यू क्लियर दैट एवरीथिंग रियली वॉन्ट टू बी हेयर स्टार्ट प्रिपेरिंग और जाने से पहले थैंक यू बोलूंगा और एक चीज आपको बताना चाहूंगा दैट वी हैव अ गाइड बुक फॉर सेबी आई एम नॉट हैविंग इट राइट नाउ विद मी सो वी हैव अ गाइड बुक फॉर सेबी व्हिच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू नो एवरीथिंग अबाउट सेबी चाहे वो सेबी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो प्रमोशन हरार की सैलरी के बारे में हो या फिर सेबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सेबी के रिसोर्सेज और बुक लिस्ट हो ये सारी चीजें आपको इस गाइड बुक में मिल जाएंगी विच इज एंटायरली फ्री एम नॉट हैविंग इट राइट नाउ विद मी अदरवाइज आई कुड हैव शोन यू और डाउनलोड करने का लिंक इस डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री एंड यू कैन रीड इट एंड यू कैन गेट टू नो द एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेबी एंड दी ग्रेडेड जर्नलिस्ट एग्जाम सोई आई 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 यू बेस्ट ऑफ लक आई होप यू आर गेटिंग मोर एंड मोर क्लैरिटी विद दीज वीडियोज एंड दैट इज हेल्पिंग यू डिसाइड वेदर यू रियली वॉन्ट टू गो फॉर दिस एग्जाम और नॉट है नाइस्ट बॉय लव यू ऑल